हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टैक्स से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो है 6 to 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो कि आज के इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ टैक्स प्लानिंग, की टैक्स प्लानिंग क्या होती है, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करें उससे पहले होप आपको टैक्सेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि अगर वो नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। थोड़ा बहुत नॉलेज, व्हाट आई मीन कि यहाँ पे आपको पता होगा कि कितने जो है आपके हेड्स ऑफ इनकम्स बनी हुई हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम्स जो आपकी बनी हुई हैं कौन कौन सी है, और किस तरीके से एक आपका जो है डिडक्शंस आप क्लेम करते हो अपने जो है अपनी पूरी इनकम में से। डिडक्शन को हटाने के बाद जो इनकम आती है, दैट इज़ योर टोटल टैक्सेबल इनकम, एंड उस पर आप जो है अपना टैक्सेशन कैलकुलेट करते हो, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करते हो। इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा, आपने पढ़ा होगा, तभी आप ये टॉपिक जो है आगे पढ़िएगा, अदरवाइज ये आपको नहीं समझ आएगा, ना ही जो है थोड़ा आपको क्लैरिटी कम होगी। सो टैक्स प्लानिंग क्या होता है? देखिए, टैक्स प्लानिंग मतलब कि आपको पता है कि आपको जो है टैक्स पे करना है, फ्यूचर में जो है आपने टैक्स पे करना है, और आपको ये भी पता है कि टैक्स का अमाउंट जो है थोड़ा सा अब ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा पर्टिकुलर तरीके से प्लानिंग करना, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इस तरीके से प्लान करना कि वहाँ पे जो आपका टैक्स है उसका जो लायबिलिटी है वो कम हो जाए, या फिर जो है उसमें थोड़ी सी कमी आप ले आए। तो ये आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। कैसे? देखिए, आप सबको पता है एक इंडिविजुअल जो है यहाँ पे अगर अपने इनकम अर्न करता है, वहाँ पे उसको काफ़ी सारे डिडक्शंस क्लेम करने को मिल जाती है, अंडर सेक्शन 80C से लेकर के अंडर सेक्शन 80U तक। अब यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है, दैट इज़ 80C, जिसमें हम LIC, NPS या जो है PPF में अपने फंड्स डालते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट को हम जो है एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमारी इनकम जो बन के आती है वो टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे अभी तक, लेट सपोज ये जो साल अभी चल रहा है हमारा, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22 से 23 का, जो हमारा 22 से 23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके बीच में जो भी आपने इनकम कमाई है वो आप मार्च के बाद उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, क्योंकि ये एक साल में जो भी आपने इनकम कमाई है वो मार्च के बाद आप उस पर टैक्स पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई मेरी टैक्सेबल इनकम जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो मेरी इनकम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख है, और अगर फिर भी आपकी 5 लाख से कम की इनकम होती है तो हमें रिबेट मिल जाता है और उस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। पर यहाँ पे आपको पता है कि अब मेरी इनकम चली गई है 5 लाख से ऊपर, लेट सपोज 5,10,000 रुपये। अब आपको पता है कि अब जो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो पूरी की पूरी 5,10,000 का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे रिबेट नहीं मिलेगी, यानी मेरा जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो 12,500 से ऊपर ही बन जाएगा, यानी एक 12,500 से ऊपर कि वैल्यू ही मेरी जो है टैक्स बन के आएगी। अब यहाँ पे आपने लगाया दिमाग कि भाई देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैंने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी हुई अभी तक, तो मैं एक LIC ले लेता हूँ, 20-25 हज़ार की LIC ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, और यहाँ पे मेरा जो टैक्स बनता है वो सारा का सारा टैक्स 0 हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, एज द केस में भी जो भी केस आपके बनते होंगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, डिडक्शन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कर रहे हो, और पूरा जो सिस्टम है उसके जो है पूरा का पूरा कह सकते हो कि कुछ यहाँ पे इनलीगल नहीं कर रहे हो, टैक्स का एक आप जो है चोरी नहीं कर रहे हो, बल्कि प्लानिंग कर रहे हो। इसी को हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है? एक एनालिसिस है ऑफ वंस फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम अ टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, सो एज टू प्लान वंस फाइनेंस इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज मैनर। सो टैक्स प्लानिंग क्या है? एनालाइज करना अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को एक टैक्स एफिशिएंसी के पॉइंट से, ताकि आप अपने फाइनेंसेस को जो है सही तरीके से ऑप्टिमाइज मैनर्स में जो है इसको प्लान कर सको। टैक्स प्लानिंग अलाउ अ टैक्स पेयर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द वेरियस टैक्स एग्जम्पशंस, डिडक्शंस
एंड बेनिफिट्स टू मिनिमाइज देयर टैक्स लायबिलिटी ओवर अ फाइनेंशियल ईयर। टैक्स प्लानिंग क्या करता है, आपको अलाउ करता है, एक टैक्स पेयर को अलाउ करता है कि वो बेहतर से बेहतर टैक्स अजम्पशंस को जो है यूज़ कर सके और डिडक्शंस को यूज़ कर सके और अपने बेनिफिट में जो है उसको यूज़ करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, मिनिमाइज कर सके। द प्रोसेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये प्रोसेस जो है एक पर्सन के लिए अलग हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए अलग हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन अमॉन्ग मैनी फैक्टर्स। टैक्सेबल इनकम, टाइम शेड्यूल फॉर इन्वेस्टमेंट, रिस्क बियरिंग इंक्लिनेशंस, एक्सिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पैटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करता है आपके अपने अपने जो है इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर आपका शेड्यूल क्या है, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। अगर करोड़ों में इनकम चली गई है तो वहाँ पे आप 1.5-2 लाख की जो है एग्जम्पशन लेकर के क्या यू खाड़ लोगे, आपको लगेगा चल छोड़ यार नहीं करनी। तो ऐसे सिचुएशंस में, और यहाँ पे लिमिट भी होती है कि सिर्फ 1.5 लाख तक ही आप सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन ले सकते हो। मेडिकल क्लेम आप 25,000 तक ही क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के लिए। तो उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, आपको जो है रिटर्न मिल जाएगी उससे और आपको जो है वैसे बेनिफिट होगा, बट यहाँ पे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि 25,000 इज़ द मैक्सिमम लिमिट आपको जो मिल पाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वेरियस चीज़ों पर डिपेंड करता है, एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। Over the year, tax planning scenario has become more dynamic and complicated due to constant change in tax laws and फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स। क्या हो गया ना, बहुत सारे टैक्स लॉस चेंज हो रहे हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलते थे, पहले जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलते थे हमारी इनकम्स जो FDs हैं या फिर कह लीजिए कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिटर्न मिलते थे वो भी अब कम हो गए हैं। तो इसीलिए ये एक पूरा टैक्स प्लानिंग का जो सिनारियो है ये थोड़ा सा डायनमिक एंड कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। फर्दर टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है एक तरीके से, कि पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, डिडक्शन आपको क्लेम करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने के लिए पॉलिसीज बाय करने की, तो इसीलिए ये आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है। इसको आप अलग से आइसोलेट करके नहीं कर सकते, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर इसको एक छोटा सा पॉइंट बना करके या उसका एक हिस्सा बना करके आप यहाँ पे इसको देखते हैं। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग क्यों की जाती है, ताकि टैक्स लायबिलिटी में कमी की जा सके, टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सके, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी कम करना इज़ द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का। तो इसीलिए सबसे पहला आपका जो नीड है, जो आपकी ज़रूरत है टैक्स प्लानिंग की, वो क्या है कि आप जो है टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन कर सको। दूसरा, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशंस। लिटिगेशंस यानी कि जहाँ पे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं या फिर जो है अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपके ऊपर फाइन लगते हैं, आपके ऊपर जो है और अलग अलग तरीके से जो है आप पे कह सकते हो कि मोदी जी आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो इसीलिए जो लिटिगेशंस हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी आप टैक्स प्लानिंग करते हो। देर इज़ ऑलवेज टग ऑफ वॉर बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। हमेशा जो है यहाँ पे टैक्स पेयर्स जो आप और हम हैं, टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है आपका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपका, CBDT है, तो इन सब के, इन दोनों के बीच में जो है एक वॉर चलती रहती है। वॉर मतलब लेके नहीं खड़े रहते, एक ठग ऑफ वॉर कि भाई सही टैक्स पे करो नहीं तो हम आ जाएंगे, वो सिचुएशन। सो टैक्स पेयर ट्राई टू पे लीस्ट टैक्स एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्ट्स टू लेवी हायर अमाउंट ऑफ टैक्स। इसीलिए जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कम से कम टैक्स दें, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हम उनसे वसूल सकें। वेयर अ प्रॉपर टैक्स प्लानिंग इज़ अडॉप्टेड बाय द टैक्स पेयर्स इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन लॉस, द इंसिडेंस ऑफ लिटिगेशन इज़ मिनिमाइज्ड। तो जहाँ पे आप जो है सही तरीके से लॉस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अपना टैक्स मिनिमाइज कर रहे हो, एज वेल एज उस सब का पूरा डिटेल अपने पास रख रहे हो, आपको पता है कन्फर्मेशन है, तो उससे जो है आप अपने लिटिगेशंस को कम कर सकते हो। नेक्स्ट इज
प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब आपको पता है कि भैया इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, टैक्स मिनिमाइज करने के लिए कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, तो वहाँ पे आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हो। व्हेन यू नो कि भैया हमें जो है ATC के तहत 1.5 लाख रुपए तक की जो है डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करते हो कि भैया इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी है और इतने अमाउंट की करनी है, सो वट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो इससे क्या होता है, आप एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। तो अब यहाँ पे आप सोचते हो यार जब करना ही है तो क्यों ना कहीं अच्छी जगह ही इन्वेस्टमेंट किया जाए, पैसा लगा ही रहे हैं तो अच्छी जगह लगाएं, और वहाँ पे आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हो। चैनलाइजेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम इज वन ऑफ द प्राइम पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग। यहाँ पे जो है टैक्स प्लानिंग का एक और आपका जो है वन ऑफ द मेन एक पर्पस हो जाता है कि आप सही स्कीम्स में अपने पैसों को डालो। एज इट एम्ड टू अटेन ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हरेंसिंग द सोर्सेज फॉर सोशली प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स एंड रिलाइविंग द टैक्स पेयर्स फ्रॉम द बर्डन ऑफ टैक्सेशन कन्वर्टिंग द अर्निंग्स इंटू मीन्स ऑफ फर्दर अर्निंग्स। आप देखिए जितने भी टैक्स डिडक्शन आपके दिए गए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसी स्कीम्स डाली हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनके पास ही जाए या फिर एक तरीके से इनके सोसाइटी में ही हेल्प करें। जैसे आप देखो सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों के लिए है कि भाई सोसाइटी में बेटियों को थोड़ा सा जो है फाइनेंशियली एक फ्रीडम मिल सके, उनके खुद के भी पैसे हो सके। तो इस तरीके की स्कीम्स में जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको जो है उसके तहत भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो ये क्या है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ ऑप्शन दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को ताकि वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सके, ये पैसा जो है सोसाइटी में इकोनॉमी में घूमे और इकोनॉमी में इससे प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्टिव कुछ चीज़ें बन सके। तो इसीलिए साथ ही साथ जो है उनको डिडक्शन क्लेम करने का चांस मिल सके। सो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे एक ज़रूरत बन जाती है जब आप टैक्स प्लानिंग करते हो। रिडक्शन इन कॉस्ट, द डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय टैक्स प्लानिंग रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। जब आप रिडक्शन करते हो टैक्स में, अगर टैक्स प्लानिंग को यूज़ करके, तो आप ओवरऑल कॉस्ट में रिड्यूस कर रहे हो, यहाँ पे आपका ओवरऑल प्राइस में रिडक्शन हो रहा है। इट रिजल्ट इन मोर सेल, मोर प्रॉफिट एंड मोर टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पे ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू होगा। मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पैसा इकोनॉमी में आ रहा है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और उससे क्या होगा, उससे जो है आपकी ज़्यादा पैसे आएंगे, कंपनीज के पास ज़्यादा पैसे आएंगे जहाँ भी वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उस कंपनी के पास जिसके पास भी वो पैसे आएंगे वो इकॉनमी में ही होने वाली है, एंड उसकी वजह से जो है वहाँ पे कॉस्ट एक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होने के कारण उनका कॉस्ट में कमी आएगी, तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी में वो रिडक्शन करेगा कॉस्ट में। हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकॉनमी, ऑब्वियसली जब यहाँ पे पैसा डाला जाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे उसका इकॉनमी में इफेक्ट बढ़ने वाला है, इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट आने वाली है, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, वहाँ पे जो है जॉब्स बढ़ने वाली है, उससे जो है पैसा दोबारा रोटेशन में होगा, तो ये एक इकॉनमी को हेल्दी ग्रोथ देगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब इकोनॉमी में हेल्दी ग्रोथ आएगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वही बात यहाँ पे तीनों चिपकाई हुई हैं एक साथ, कि हेल्दी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी एंड इकोनॉमिक जनरेशन बन पाएगा। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।